नमस्ते जी, वैदिक राशि में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है आचार्य चाणक्य का संकल्प के बारे में क्या मत है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए विषय की ओर चलते हैं। आचार्य कहते हैं कि सुकृत जल्पा निराजन, सुकृत जल्पन दि पंडिता, सुकृत कन्या प्रदीयन्ते, त्रिणतानी सुकृत सुकृत। अर्थात राजा लोग सिर्फ एक बार आज्ञा देते हैं, पंडित जन एक ही बार बोलते हैं, अपनी प्रतिज्ञा पर हमेशा दृढ़ रहते हैं, और कन्यादान एक ही बार किया जाता है। ये तीनों बातें एक ही बार होती हैं। आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति को कोई भी संकल्प, इसके माध्यम से कोई भी बात हो, अपनी बात पर दृढ़ रहना चाहिए, कोई भी बात एक बार करनी चाहिए, अर्थात उस बात पर दृढ़ रहना चाहिए, अपना संकल्प जो है उस पर स्थिर रहना चाहिए। कोई काम को करने के लिए जब आप प्रयास करते हैं तो लगातार उस पर स्थिर रहें, उस काम को करते रहें। ज़्यादातर लोग किसी कार्य को प्रारंभ तो करते हैं पूरी ऊर्जा के साथ, लेकिन धीरे धीरे स्थिर हो जाते हैं और बाद में उस कार्य को छोड़ देते हैं और फिर दूसरा कार्य ऊर्जा के साथ पूरा शुरू करते हैं, और फिर पूरे संकल्प के साथ, पूरे हाव भाव के साथ, पूरे बोलते हुए कि हम कर ही लेंगे ये कार्य, इस तरीके से आरंभ होता है और थोड़े दिनों में फिर वो कार्य भी धीरे धीरे स्थिर होकर बंद हो जाता है। इस तरीके से उनका कोई भी कार्य अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। तो आचार्य का भावार्थ है कि जो भी कार्य करें उसे पूरी तल्लीनता से करें और पूरी ऊर्जा के साथ शुरुआत से लेकर अंत तक उसको पूरा करें। आगे इसी तरह के भाव से मिलती जुलती किसी हिंदी कवि ने भी पंक्ति कही है, किससे हैं गमन पौरुष वचन, कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। अर्थात पौरुष वचन की समता पंडित जनों के एक बार बोलने से है। अर्थात एक बार जो बुद्धिमान लोग हैं कोई भी बात एक बार कहते हैं, अपने आप से दिया हुआ वचन, जिसे प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में कोई भी बात कही जाती थी, कोई वचन दिया जाता था, उसको पूरी पूरी जिंदगी निभाया जाता था, उस वचन को अपने प्राण देकर भी कोई वचन निभाया जाता था। उसका कारण यह था कि हमारा संकल्प बल उससे दृढ़ होता है, मजबूत होता है, वो कमजोर नहीं होता। हम जो भी बात कह दें कम से कम एक बार उस पर स्थिर रहें और उस कार्य को पूर्ण करें। आगे हैं कि त्रिया तेल की समता कन्यादान, अर्थात कन्यादान जब होता है तो वह भी एक बार होता है। उसी तरीके से हमीर हट राजाओं की आज्ञा का प्रतीक है, राजाओं की आज्ञाएं भी एक ही बार होती हैं। अर्थात कोई भी संकल्प ले, कोई भी बात काम करें तो उसको एक बार ही संकल्प में लेकर उस कार्य को करें और फिर अंत तक उसे पूरा अवश्य करें। कोई भी अच्छा कार्य जब आप आरंभ करते हैं तो कम से कम उसे पूरा करें। इसी तरह के और नीतिगत वचनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें। अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।